और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। सुनील कौशिक साहब हमारे, डॉक्टर सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही अमित त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विवेक पांडे साहब हमारे साथ, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक पांडे साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास ही आती हूँ। पांडे साहब, क्या आपको लगता है जनता के बीच समाजवादी पार्टी उस तरीके से गई है जिस तरीके से जाना चाहिए था? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि विपक्ष में होने के नाते एक बहुत बड़ी भूमिका और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। नहीं, हमारे कंधों पे है और हम उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अगर जनता के बीच में नहीं जाते तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो एकदम शून्य पे होता। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात, कि गोरखपुर में जो मेयर के प्रत्याशी के चुनाव की पोलिंग पड़ी, 3,63,000 पोलिंग वोट पड़े हैं और चुनाव आयोग गिन रहा है 4,87,198 वोट। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब चुनाव हो रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग ही अपनी ही कार्यप्रणाली पे संदेह खड़ा करने का काम कर रहा है। अब अगर हम सवाल उठाएंगे तो भाजपा को लगेगा कि हम उनको आरोपित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अभी आप ही ने दिखाया कि भाजपा के लोग देखिए किस तरह से पैसे लेकर के धांधली कराने का आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप, देखिए प्रत्याशी लड़ता है जनता के लिए, जनता चुनती है प्रत्याशी, लेकिन अगर धांधली का आरोप केवल विपक्ष लगाए तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अगर धांधली का आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य नहीं है। भाई आरोप तो काजल निषाद भी लगा रही है हमारी मेयर प्रत्याशी, उनकी सुनवाई तो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक चश्मे से देखना, एक नजरिए से काम करना, चुनाव आयोग खुद को संदेह के घेरे में खड़ा करता है हर बार, और इस बार भी उसने स्वयं ये काम करने का काम किया है। ठीक, सुनील कौशिक साहब, क्योंकि आप पूरे चुनाव को बहुत बेहतर और बारीकी से देख रहे हैं, अब जिस तरीके से कह रहे हैं विवेक जी, अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर कि सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी आरोप लगते रहे हैं, हालांकि ये स्थिति तब अलग हो जाती है जब खुद जीत हासिल होती है, क्योंकि ये स्थिति बार बार उत्पन्न होती है। सवाल भी खड़े होते हैं कि जब आप जीत हासिल करते हैं तब ईवीएम भी सही हो जाती है, प्रशासन भी सही हो जाता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष या बीजेपी की जीत हो जाती है तो फिर चीजें एकदम पलट जाती है। आप जरा इस पर अपना वर्डिक्ट रखिएगा। देखो, फर्क का वाद एक उदाहरण है कि इसमें भी प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को धक्का के बाहर कर दिया और वो धरने पर बैठ गए हैं। तो ये तो निश्चित तौर से हारता हुआ कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो आरोप तो प्रशासन पे लगाएगा, चुनाव आयोग पे लगाएगा। ये तो साधारण सा सवाल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज बीजेपी प्रशासन के पक्ष में है और जब विपक्ष में थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता भी प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे इस तरीके के आरोप लगाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर हारता हुआ प्रत्याशी यही कहता है, सब प्रशासन ने बेईमानी कर ली। लेकिन जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां सारे अधिकारी जो होते हैं, सारी मानसिकता सरकार के साथ नहीं होती है, चाहे वो एडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, सीओ सिटी हो, इंस्पेक्टर हो, सारी मानसिकता के लोग वहां होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो सकती है, मीडिया के लोगों के साथ लगातार लोग संपर्क में होते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज में भी समय नहीं लगता जी। तो मैं ऐसे आरोपों को बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि हर राजनीतिक दल विपक्ष में रहकर के उसके पास सीधा सा यही उदाहरण रहता है कि हम सीधा सीधा आरोप लगाएं। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से तमाम आप ट्वीट देख लिए कि चुनाव आयोग को ने के ऊपर भी आरोप लगाए, चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या करके लिखा सोशल मीडिया पे, और यही अखिलेश यादव जब 2017 से पहले थे तो बीजेपी ये लिखा करती थी, अखिलेश यादव भी उसका पक्ष लेते थे चुनाव आयोग का, कैसा नहीं हो सकता है। तो ये तो है, केंद्रीय एजेंसियों पर यही आरोप लगता है। आप देखिए ना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई पिंजरे का तोता था, और अब कांग्रेस भी सीबीआई पर, ईडी पे आरोप लगाने लगी है। पहले भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं एजेंसियों पे आरोप लगाती थी। बिल्कुल, तो सर, ये एक सर्कल है जो इसी तरीके से घूमता है, और जब सत्ता पलटती है, विपक्ष सत्ता में, सत्ता विपक्ष में आता है, तो ये तमाम चीजें जो है वो होती हुई नजर आती है। मैं आपके पास लौटूंगी सर, अमित त्रिपाठी साहब के पास भी चलते हैं, जब प्रवक्ता है बीजेपी के। अमित जी, निकाय चुनाव छोटा चुनाव जरूर था, लेकिन हमने देखा किस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। अब 2024 को लेकर क्या उम्मीदें बांधी जाए, क्योंकि अरे कार्यकर्ता इस वक्त तो उत्साहित होगा आपका। देखिए, मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं, अब जब नतीजे आ गए हैं, जनादेश आ गया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तब ये मीडिया कहने लगी है छोटा चुनाव है, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़े थे, नतीजे नहीं आए थे, यही मीडिया इसको सेमीफाइनल बताने का काम कर रहा था कि ये योगी जी के विकास कार्यों पर जनादेश होगा। जो भी आएगा सेमीफाइनल तो एक तरीके से मानकर चल ही रहे हैं, इसीलिए मैं 2024 का सवाल पूछ रही हूं। सेमीफाइनल तो एक तरीके से मानकर चल रहे हैं, जिस प्रकार से जी जी, तो जिस प्रकार से शिवपाल यादव जी आज कह रहे हैं कि ये छोटा चुनाव है, अभी अखिलेश यादव जी इसको हर रैली में बता रहे थे कि
जो फैसले आएंगे वो सरकार के विकास के विपरीत आएंगे, जो सरकार वादे करती है वो खोखने आते हैं। लेकिन जनादेश बताता है कि जिस प्रकार से जनता का जनादेश ही बताता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है या कभी भी सरकार होती है उसका कामकाज कैसा है, तो ये जनादेश स्पष्ट बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता 100 में 100 के साथ पास हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी पर पुनः विश्वास जताया है और ये विश्वास पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी को सत्ता में आया उत्तर प्रदेश, उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बने, 2017 के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एचसीआई जीत दर्ज की, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और ये जीत बिल्कुल ये जीत चल रही है, मेहनत भी दिख रही है। और मैं आपकी थोड़ी जानकारी भी दुरुस्त कर दूं, मीडिया ने छोटा चुनाव कभी इसे नहीं कहा, शिवपाल यादव भले इसे छोटा चुनाव मान रहे थे। वापस लौट रही हूं मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो दर्शकों को फटाफट से बता देते हैं। हापुड़ से खबर मिल रही है, हापुड़ की नगर पंचायत बाबूगढ़ से चेयरमैन की निर्दलीय प्रत्याशी सुधा देवी ने बीजेपी की प्रत्याशी को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। जीत के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सुधा देवी के साथ विजय जुलूस भी निकाला है। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता हाईवे पर जश्न मनाते हुए भी नजर आए। तस्वीरें जरा आप देखिएगा, हापुड़ की नगर पंचायत बाबूगढ़ से चेयरमैन की निर्दलीय प्रत्याशी जो है सुधा देवी, उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। और जीत के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सुधा देवी के साथ विजय जुलूस निकाला। ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से विजय जुलूस निकाला गया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कमाल किया है, जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जश्न मनाया है, उसी की ये तस्वीरें देखने को इस वक्त मिल रही हैं। और ये आपको बता दें, कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बेहतर प्रदर्शन डीएसपी और एसपी से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने करा। और एक बड़ी खबर लखीमपुर से हम आपको दे देते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ईरा श्रीवास्तव की जीत हुई है। प्रत्याशी के समर्थक महिलाओं ने डांस कर जश्न मनाया है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर समर्थकों ने यहां पर सेल्फी भी ली है। 2898 वोटों से ईरा श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरा श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है और उसके बाद मिठाइयां खिलाई है। लखीमपुर से बड़ी खबर है, एक दूसरे को बाकायदा गुलाल लगाया गया है, समर्थक बेहद खुश है। 2898 वोटों से ईरा श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। लखीमपुर में निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज करा दी है। प्रत्याशी के समर्थक महिलाओं ने डांस कर ये जश्न मनाया है। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया, ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं। और 2898 वोटों से ईरा श्रीवास्तव ने अपने नाम ये जीत दर्ज की है। देखिए महिला समर्थक किस तरीके से ढोल की थाप पर नाचती हुई यहां पर नजर आ रही है और खुशी चेहरे पर नजर आ रही, गुलाल एक दूसरे को यहां पर लगाया गया है। और जहां जहां जीत है वहां वहां जश्न का माहौल है और इसी तरीके से ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं। उधर आगरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने जीत हासिल की है, क्या कुछ उनका कहना है वो भी आप सुनिए। बीजेपी की विजय प्रत्याशी हेमलता दिवाकर हमारे साथ में है, इन्होंने बड़े भारी वोटों से जीत हासिल की। जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है मुझ पर। और मैं मीडिया के माध्यम से अपने उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आगरा जैसे शहर के लिए मुझे अपनी सेविका के रूप में चुना है। जनता के मीडिया के माध्यम से आगरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।